नमो नमः मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री टर्म 1 2021-22। तो इससे पहले मैं हर एक सब्जेक्ट का आंसर किया आपको दे चुका हूँ। इस पर मैं यहाँ पर मैं आप यहाँ से देख सकते हैं चैनल से, और यदि मेरे शिक्षा सर्वस्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलेंगे हम सबसे पहले, टाइम वेस्ट न करें, चलिए सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। में क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ देख लीजिए आप, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान सैद्धांतिक टर्म 1, क्वेश्चन 1 में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 का आंसर है आपका, क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया आपका सी, क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया सी। 2 में चलेंगे, क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 3 में चलेंगे, क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा डी। तो आप मिलाते रहेंगे कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, आपने क्या मार्क्स पाया। चलिए लास्ट में आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपने कितने मार्क्स पाया और कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, क्या हुआ। चलिए नेक्स्ट में फोर्थ में चलेंगे, फोर का आंसर हो जाएगा आपका, फोर का आंसर हो जाएगा ए। फाइव का आंसर हो जाएगा आपका, फाइव का आंसर हो जाएगा आपका फाइव का बी। सिक्स में चलेंगे हम, सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका, सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपने कितना मार्क्स आपको मिला है इसमें से। चलिए सिक्स में चलेंगे, सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। सेवन में चलेंगे, सेवन का आंसर हो जाएगा बी। एट में चलेंगे, एट का आंसर हो जाएगा सी। नाइन में चलेंगे, नाइन का आंसर हो जाएगा बी। टेन में देखेंगे, टेन का आंसर हो जाएगा आपका ए। एलेवेंथ में चलेंगे, एलेवेंथ का आंसर हो जाएगा आपका सी। ट्वेल्थ में चलेंगे, ट्वेल्थ का आंसर हो जाएगा आपका बी। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके, और लाइक करें, शेयर भी कर दें ताकि आपके जो भी मित्र हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए हम चलेंगे अब नेक्स्ट में, थर्टीन नंबर क्वेश्चन में। थर्टीन नंबर क्वेश्चन होगा आपका डी, थर्टीन का आंसर हो जाएगा डी। फोर्टीन चलेंगे, फोर्टीन का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी गलत नहीं। यदि आप यहाँ सही कर लिए हैं तो बिल्कुल उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए फोर्टीन के बाद फिफ्टीन चलेंगे, फिफ्टीन का आंसर हो जाएगा आपका, फिफ्टीन का आंसर हो जाएगा ए। फिफ्टीन के बाद चलेंगे हम सिक्सटीन में, सिक्सटीन चलेंगे, सिक्सटीन का आंसर हो जाएगा, सिक्सटीन का आंसर हो जाएगा डी। सेवनटीन चलेंगे, सेवनटीन का आंसर हो जाएगा आपका, सेवनटीन का आंसर हो जाएगा डी। एटीन में चलेंगे, एटीन का आंसर हो जाएगा आपका, एटीन का हो जाएगा आंसर, एटीन का सी। नाइनटीन चलेंगे, देखेंगे नाइनटीन का क्या आंसर है, नाइनटीन का आंसर हो जाएगा आपका नाइनटीन का, नाइनटीन का हो जाएगा बी। उसके बाद ट्वेंटी में चलेंगे हम, ट्वेंटी में चलेंगे, ट्वेंटी का आंसर हो जाएगा ए। ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन में चलेंगे, ट्वेंटी वन का आंसर हो जाएगा ट्वेंटी वन का ए। बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल कम समय में आपका काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट में ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन का आंसर हो जाएगा सी। ट्वेंटी टू में चलेंगे, ट्वेंटी टू का आंसर हो जाएगा आपका डी। ट्वेंटी थ्री में चलेंगे, ट्वेंटी थ्री का आंसर हो जाएगा आपका ट्वेंटी थ्री का, ट्वेंटी थ्री का ए। ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का आंसर हो जाएगा आपका, ट्वेंटी फोर का आंसर हो जाएगा ए। ट्वेंटी फाइव में चलेंगे हम, ट्वेंटी फाइव का आंसर हो जाएगा आपका, ट्वेंटी फाइव का आंसर हो जाएगा डी। तो 25 का आंसर हो गया आपका, 25 का आंसर हो गया डी। अब चलेंगे 25 के बाद 26 में चलेंगे हम, 26 में अब सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी के 20 में चलेंगे, 20 का आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा आपका, 26 का आंसर हो जाएगा डी, 26 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे हम, यहाँ देख लीजिए आपको क्या कर रहा है कि 24 क्वेश्चन में से यहाँ पर मैं कितना, केवल 20 क्वेश्चन ही आपको करना है यहाँ पर में, ठीक है। और चार क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना है सेक्शन बी में, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन ए में देखना था आपको कि सेक्शन ए में था कि सेक्शन ए में आपको पांच छोड़ना था, ठीक है। और सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है। तो इस तरह से आप अपना मिलान करेंगे कि आपने क्या सही किया, कहाँ कहाँ आपने छोड़ा, कहाँ नहीं छोड़ा। चलिए अब चलेंगे हम 26 के, 26 का आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा सी। 27 में चलेंगे, 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28 में चलेंगे, 28 का आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी। 29 में देखेंगे, 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30 का देखेंगे, 30 का आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा डी। अब 31 में चलेंगे भाई, 31 का आंसर हो जाएगा, 31 का हो जाएगा आंसर सी। 32 का आंसर हो जाएगा, 32 का बी। 33 में देखेंगे, 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का ए। 34 में चलेंगे, 34 का आंसर हो जाएगा ए। 35 में चलेंगे, 35 का आंसर हो जाएगा आपका, 35 का ए। 36 में चलेंगे, 36 का आंसर हो जाएगा आपका, 36 का बी।
चलिए 37 चलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे हम लोग। 37 का आंसर हो जाएगा सी। 38 में चलेंगे, 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 38 का आंसर हो जाएगा ए। अब 39 में चलेंगे, 39 का आंसर हो जाएगा आपका 39 का सी। 40 में चलेंगे, 40 का आंसर हो जाएगा बी। 40 का आंसर हो जाएगा बी। 41 का आंसर हो जाएगा डी। 42 में देखेंगे, 42 का आंसर हो जाएगा बी। 43 में देखेंगे, 43 का आंसर हो जाएगा डी। 44 का आंसर हो जाएगा बी। 45 का आंसर हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा आपका 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 45 के बाद 46 में चलेंगे, 46 का आंसर हो जाएगा आपका 46 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 46, 47 का हो, 47 का हो जाएगा आपका, 47 का क्या यहाँ, 47 का हो जाएगा सी। 48 का हो जाएगा ए। 49 का हो जाएगा आपका सी। अब चलेंगे हम सेक्शन सी में, 50 में, 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में आपका 50 का हो जाएगा सी। 51 का हो जाएगा बी। 52 देखेंगे, 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके 52, फिर उसके बाद 53 में चलेंगे, 53 का यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखिए इसको, देखिए ध्यान से, और हम आगे चलेंगे इसको इसके आधार पर में। तो 53 में देखेंगे आप, 53 का बी हो जाएगा। 54 का आंसर देखेंगे, 54 का आंसर हो जाएगा डी। 55 का हो जाएगा आपका बी। तो आपका इसी तरह आपका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट में आप इसको सबसे पहले एक काम करें कि लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आप मतलब इस पर मैं शेयर करूँ डालूँ आप तक पहुँच सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।